जो शपथ ग्रहण हुई है 545 जो एमएलए जो एमपी हैं साहिबान, किसके संविधान को हाजिर नाजर रखते हो वो शपथ ग्रहण करी गई, करी या नहीं गई बताओ? तो बताओ ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदलेंगे? अरे संविधान को अगर कोई मजबूत करेगा तो वो भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए ये षड्यंत्र जो करा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र हमारा प्रधान है तू और भाई वो सारे आए हुए हैं काहे खड़े और वो सारे के सारे वो सारे बैठे हुए हैं, हाँ बहुत पक्के लोग हो, और ये जयसिंह बैठा बिल्कुल, जाके समझाओ सारे लोगों को कि किस तरह से ये षड्यंत्र करे जाते हैं, किस तरह से गुमराह करा जाता है लोगों को, और तुम्हें मालूम चलेगा आने वाले समय में हर एक तरीके से जो है आने वाले समय में काम कितना बढ़िया होगा। मैं यहाँ पर लंबा नहीं बात करूंगी, एक बात कहूंगी, आप लोगों ने आप ही के दम पर 2005 के अंदर उस समय विलय हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस के अंदर मैंने करवाया था, और आप सबने उस समय अपने पटके जो थे नारंगी वो छोड़कर कांग्रेस के हाथ का पटका पहना था, जिसका नतीजा ये था कि 2005 में 67 सीट्स जो हैं कांग्रेस के आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां पर हो, ऐसी फौज जहां पर हो, उसको जब अपेक्षित करा जाता है तो दिल में दुख होता है, दिल के अंदर दर्द होता है। और तुम जानते हो तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं भाइयों, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी नहीं है, लेकिन मेरा दिल का मेरे खून का एक एक कतरा जो है मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बोलता है और कुछ नहीं। तुम लोग जानते हो किस तरह से किस संघर्ष के रास्ते से हम 20 साल से गुजरे, लड़ाई लड़ लड़ के संघर्ष कर करके हम आगे निकले, और तुम तो वो फौलादी लोग हो बिना कुछ मिले हुए तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता हो। आज आप लोग भाजपा में शामिल होकर भाजपा के ही बन चुके हो, बन गए या नहीं बन गए बता दो हाथ खड़े करके। ये जो पटके पहने हैं ईमानदारी के साथ इन पटकों को निभाना है भाई आखिरी दम तक, और हमने देखना है कि आने वाले समय में जैसे काम पहले करा था उसी तरह से काम करेंगे, और निश्चित तौर पे ये गारंटी मैं देती हूँ कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपेक्षित नहीं रहेगा, ये तुम जानते हो। आने वाला समय जो है संघर्ष का समय, बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी फैलाई जा रही अलग अलग समाज के अंदर, आप लोग जो हैं आपकी जिम्मेवारी है, आज यहाँ सब नहीं आ पाए लेकिन मैं जानती हूँ एक एक का वर्चस्व अपने इलाके के अंदर जो है हजारों का है, आपने जाकर जैसे श्रुति ने कहा जोड़ने हैं वो लोग, जोड़ोगे जोड़ोगे नियत ईमानदारी के साथ जोड़ोगे। भाई तेरे क्या हो गया काटिया तू पीछे बैठा हाँ? मेरी नजर सारी जगह है भाई, पुनिया बैठ जा। तो ये जो मैं कह रही हूँ हर तरीके से हमने काम करना है, हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान के साथ माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सिंह साहब, सीएम साहब हमारे, और जो शीर्ष नेतृत्व है चाहे मां धर्मेंद्र प्रधान जी हों या हमारे विप्लव देव जी हों या सारा का सारा संगठन जो है भाजपा का, जिस मान सम्मान के साथ हमारे को लेकर आए हैं, अंतिम क्षण तक मरते दम तक हमने वो काम करना है जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ेगा। अब सैनी साहब एक ही नारा लगाओ अब भाजपा का, बस मछली की आंख उधर ही, मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ही, समझ गए, चिंता ना करो, हर तरीके से हमने काम करना है और आगे बढ़ना है। चलो बहुत धन्यवाद भैया, तुम परिवार हो मेरे, मैंने जैसे कहा मेरा दिल का टुकड़ा है,
और मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव के अंदर केवल एक चीज रह गई कि मैं आप सबको सक्षम करके जाऊं, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने बिना फल मांगे इतना काम करा है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसके कारण आज हमारा नाम पूरे हरियाणा के अंदर है। तुम्हारे लिए आने वाले समय में ये पार्टी के अंदर ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले को स्थान देती है और उसको मान सम्मान देती है। षड्यंत्र नहीं होते यहाँ, कटाई पिटाई नीचे नीचे तुमने देख रखी है भाई। यहाँ पर ईमानदारी के साथ जो काम करता है उसको संगठन के अंदर बढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले हमने करके दिखाना है, करके दिखाओगे या नहीं दिखाओगे ये बताओ, हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, बाद में करना। ये सारे के सारे इधर भी बताओ भाई, तुम कोने में बैठे हो, हाँ ठीक। तो ये सारे के सारे ईमानदारी के साथ चौधरी बंसी लाल जी का नाम लेते हुए, सुरेंद्र जी का नाम लेते हुए और भाजपा का परचम लहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बार हरियाणा के अंदर जिस तरह से विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को हरियाणा के अंदर तीसरी बार पूरी तरह से साक्षात तरीके से आगे बढ़ाने का हम काम हम सब करेंगे। और निश्चित तौर पर ये सोचना भी मत जो ये लोग कहते आ रहे हैं ना कि इतनी सरकार इतनी लाएंगे, सीटें इतनी लाएंगे, याद रखियो ये तो खुद ही भाई कती नीचे नीचे हाथ मिलाए खड़े हैं, बेरा है ना तुमने, सबने बेरा है नहीं बेरा, तो जब जो ऐसा काम करे भाई तुमने बेरा है कभी वो अपनी सरकार ने आन देगा के कौन आन दे भाई, तुम बहुत समझदार लोग हो। ये बिन्ने जो है आईना दिखाना है, जो बाबू बेटा भ्रष्ट हर तरीके से है या नहीं बताओ, पूरी तरह से है या नहीं, इनको आईना दिखाना है। आज जो है बाबू बेटे के अलावा और तीसरा आदमी को ये जीण कौन दे भाई, कोई और इनने कौन नजर आओ है, जानो ना तुम सारे के सारे एक एक जिले से जो आए हो, अपना यहाँ से संदेश लेकर जाओ कि इनका पर्दाफाश हमने करना है, करोगे नहीं करोगे। आज जो है थोड़ा सा ये हो गया कि भाई सुबह बारिश हो रही थी तो इसलिए उधर जाना पड़ा, कुछ इधर होना पड़ा, आगे पीछे हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये सारा कुछ होता है और तुम जानते हो इन चीजों से तुम घबराने वाले नहीं हो। अब इसके बाद सीएम साहब ने तुमको सबको बढ़िया बढ़िया जिमान का काम रखा हुआ है, समझ गए, तो सारे के सारे अपने वापस वहां चलेंगे जहां खाने का प्रबंध है, और मैं हरेक आदमी से मिलूंगी, हरेक से अपने बातचीत करेंगे, बैठेंगे पूरा दिन और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। और मैं केवल अंत में एक ही बात कहूंगी, याद रखना तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं, ये जड़ों को ये 10 साल के अंदर कुछ ना होने के बाद भी जो है तुमने मजबूत रखा है। अब तो हमारे हाथ के अंदर वो हाथ बात आ गई, एक ऐसी पार्टी जिसने सारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना है और आगे बढ़ाना है, तो सिर माथे के ऊपर और आने वाले समय के अंदर हम ऐसे भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा सरकार वापस लेकर आएंगे कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि सरकार नहीं आएगी, उनको पता चल जाएगा कि उनकी असलियत क्या है। मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, एक एक जो यहाँ बैठा हुआ है सबसे मैं वहाँ पे मिलूंगी, इसके बाद वहाँ जाएंगे, सीएम साहब अपनी बात रखते हैं। और मैं बहुत लंबा बोल गई, बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन सीएम साहब को आगे भी जाना है, तो भाइयों चिंता ना करो, चिंता नहीं है ना, कौनी चिंता कौनी ना भाई, हम जो हैं विपरीत स्थितियों के अंदर काम करते हैं। मुझे ये बात याद आती है, तुंदिये मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, गर्म हवा से, चील जो है उसको आकाब को कहते हैं कि ये गर्म हवा जो बाती है, तुंदिये मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।